उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के एक गांव में एक युवक के द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों को मामले का पता चलने पर नाबालिग के पिता ने मंगलवार को लोहाघाट थाने में आरोपी युवक हरीश सिंह रावल सन ऑफ नारायण सिंह रावल निवासी बोतरी के खिलाफ लोहाघाट थाने में तहरीर दी। लोहाघाट थाने के SO मनीष खत्री ने बताया, पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक हरीश सिंह के खिलाफ IPC की धारा 376, 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। SO खत्री ने कहा, पीड़िता का लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में मेडिकल कराया गया। परसों दिनांक 6/11/2023 को हमारे बाराकोट क्षेत्र में निवासित एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार किए जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में हमें यहाँ थाना लोहाघाट में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा तत्काल जो है धारा 376, 506 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। कल दिनांक 7/11/2023 को हमारे द्वारा स्वासी पतासी करते हुए और अभियुक्त की तलाश करते हुए बोतड़ी ग्राम के रहने वाले अभियुक्त हरीश सिंह रावल पुत्र नारायण सिंह रावल को जो है गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।